हेलो गाइस। तो गाइस, जो ये कोविड-19 की सेकेंड वेव है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और काफ़ी लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। और गाइस, हो सके तो जितने से ज़्यादा ज़्यादा प्रोटेक्शन यूज़ करें और अपने आप को बचाएं। जैसे कि आप बाहर जाते हैं तो कृपया डबल मास्क यूज़ करें, क्योंकि जो एक मास्क है वो इनफ नहीं है 100% कोविड को या वायरस को से बचाने के लिए। आप डबल मास्क यूज़ करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी गाइस। और जो आप सोच रहे होंगे कि ये कोरोना वायरस किलिंग डिवाइस है क्या एक्चुअल में, तो इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा और ये कैसे काम करता है उसके लिए बताऊंगा और ये हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। जो वायरस है, आपको पता होगा कि वो वायरस किसी भी सरफेस पे कई घंटों तक लाइव रह सकता है, सस्टेन रह सकता है। और मेटलिक और प्लास्टिक सरफेस पे ये जो वायरस है, कोविड वायरस, ये 72 आवर्स तक अलाइव रह सकता है। तो गाइस, आप सोच सकते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ परचेस करते हैं बाहर से और वो किसी कोविड पॉजिटिव पर्सन के थ्रू ये टच होके कांटेक्ट में आके हमारे पास आई, तो उस पर वायरस हो सकता है, हमें नहीं मालूम। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनको तो हम गर्म पानी से धुल सकते हैं, जैसे कि वॉश कर सकते हैं, वायरस उससे किल हो सकता है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि कैश हम डेली यूज़ कर रहे हैं, या कुछ प्लास्टिक आइटम या फूड आइटम जो कि हम बॉयल नहीं कर सकते या वॉश नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये डिवाइस है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। और इसके लिए गाइस, काफ़ी सिंपल है ये, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और इसको यूवी बॉक्स भी बोलते हैं। पर जो ऑनलाइन इसकी प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 2000-3000 रुपीज़। और एक्चुअल में इसमें 50 से 100 रुपीज़ का भी खर्चा नहीं है अगर आप इसको खुद से बनाएं तो। और ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। एक इसके लिए सिंपली आपको एक कार्डबोर्ड बॉक्स की ज़रूरत है, इस साइज का आप कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हैं। और उसमें हमें क्या करना है, ये सिल्वर फॉइल हमने इसके चारों तरफ से अंदर से इसको कवर कर लिया है। इसको सिल्वर फॉइल जो हमने इसलिए कवर किया जो कि हमें एक इसमें यूवी लाइट लगाने वाले हैं। यूवी लाइट, अब आप पूछेंगे यूवी लाइट होता क्या है। यूवी लाइट एक्चुअली में यूवी एक स्पेशल लैम्प होता है जो कि वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए काम आता है। एक्चुअली में इसकी कुछ वेवलेंथ होती है जो वायरस या हमारे माइक्रोब्स होते हैं उसके न्यूक्लियाई को किल कर देते हैं और नए उसको फॉर्म होने से भी रोकते हैं और किल कर देते हैं। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग जो यूवी रेज है, यूवी सी एक स्पेशल कैटेगरी है, वो कोविड वायरस तक को भी किल कर सकती है। आप तो इसके अंदर मैंने यूवी सी लाइट यूज़ करी है और मैं आपको इसको दिखाऊंगा ऑन करके और कैसे यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब हम इसको बैटरी सप्लाई देते हैं, एक्चुअली में मैंने एक पुरानी डाटा केबल ली थी तो इसके ऊपर मैंने एक डाटा केबल लगाई हुई है जो कि एक पुराने फ़ोन की डाटा केबल थी। तो उसको काट करके मैंने दो वायर्स होती है, एक प्लस और एक माइनस, नेगेटिव आपको पता होगा, तो इसके कनेक्शंस मैंने इसके साथ कर दिए हैं। और जो लैम्प है मैंने इसके अंदर लगा दिया है, मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइस, ये देख सकते हैं ये ऑन हो गया है और शायद आपको इतना प्रॉपरली ना दिख रहा हो। और हमें एक बात का ध्यान रखना है गाइस, इसको यूज़ करते हुए इसको हमें डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना है। ज़्यादा देर तक अगर हम इसको कंटिन्यूस देखते हैं तो हमारी आंखें ख़राब भी हो सकती है, तो इसको नेकेड आई से ना देखें। और जैसे कि हमें अपने फ़ोन वगैरह को डिसइंफेक्ट या सैनिटाइज करना है, तो हमें सिंपली अपने फ़ोन इसके अंदर रख सकते हैं और कुछ मिनट तक के लिए हम इसको रख सकते हैं। जैसे कि हमारा फ़ोन जो है, सबसे ज़्यादा वायरस और जर्म्स जो होते हैं हमारे फ़ोन पे होते हैं, और तो सबसे ज़रूरी है फ़ोन और कैश को हम इस पर रख सकते हैं। इसे तक हम इसको इसमें रखना होगा, लगभग 4 से 5 मिनट आप रख सकते हैं इसमें। और फूड आइटम्स भी रख सकते हैं उसको, थोड़ा ज़्यादा देर रख सकते हैं, जैसे कि पैकेज फूड आता है या कुछ भी हम बाहर से लेके आते हैं, आप उसके अगर कुछ ऐसा है आइटम आपके पास, अगर माइक्रोवेव ओवन है तो आप माइक्रोवेव ओवन में भी रख सकते हैं, वो भी हेल्पफुल होगा क्योंकि उसके अंदर भी सर्टेन वेवलेंथ्स होती है जो गर्म करके जर्म्स और माइक्रोब्स को किल कर सकती हैं। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको खुद घर पे बना सकते हैं। ये यूवी लाइट जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपके आसपास इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इजीली मिल जाएगी। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारे जो फ़ोन और इसके अंदर कैश रखा था कुछ, वो अब हमारा डिसइनफेक्ट है और इसके ऊपर जो भी जम्स हैं वो किल हो गए होंगे। और आई नो ये सबको बनाने के लिए सबके लिए आसान नहीं होगा, तो इसके अलावा भी आप कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं।
और जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम बाहर से लेके आते हैं, तो उसको हम वॉश कर सकते हैं गर्म पानी से, और कुछ भी हम आइटम लेके आते हैं तो उसको हम धूप में रख सकते हैं कुछ देर के लिए, या फिर बाहर रख सकते हैं 24 घंटे के लिए। तो उसको बाहर रखें तो शायद उस पर जो भी जर्म्स या बैक्टीरियाज हों तो ऑटोमेटिकली किल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।